राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गांव वहां की दुर्गा माँ से मिलने के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, उसके बाद आगे मतलब आप सबको भी मिलाऊंगी अपनी माता दुर्गा से। तो देखिए सब लोग रेडी होकर के आ चुके हैं नीचे और हमारा कार भी रेडी है कि बेबू भी इतनी सुबह सुबह रेडी हो चुकी है। बहुत एक्साइटेड है। बहुत एक्साइटेड है। सब लोग आ चुके हैं, ये देखिए सब लोग एक एक करके आ गए हैं और अब हम जस्ट निकलने ही वाले हैं। आप अगर आप अपनी ब्लॉगर को ढूंढ रहे हो तो आपकी ब्लॉगर वो रही। थ्री सीटर है गाइस, तो ये थ्री सीटर है और हम बैठे हैं इसमें फाइव लोग, 1 2 3 4 5। तो वो इजी इसलिए है बैठना क्योंकि हम लोग हैं दुबले पतले। तुम पतली हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, हाँ कल क्या हो किसने जाना। तो वो है मेरे पिताजी और वो है मेरा भाई आगे जो स्कूटी चला रहा है। मंदिर दुर्गा मंदिर जो एटलीस्ट 86 ईयर से यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग मतलब बचपन से ही का ये है, इनसे लगा बहुत ज़्यादा कि दसवीं के दिन या नौवीं के दिन हर हाल में यहाँ पे आने का मन करता है। गाइज मैं आपको अपना घर दिखाने वाली हूँ। वो देखो वो रहा जो आपको दिख रहा ना, ये है मेरा घर। उसका विंडो दिख रहा है, वही है मेरा घर। अभी घर भी जाएंगे, पहले मंदिर में पूजा कर लें उसके बाद। Thank you.
ये सीढ़ियाँ हैं जिस पर हम लोग का अक्सर जो है हम लोग बोलते हैं ये छोटी सी सीढ़ियाँ क्यों बना दिया गया। ये सब पहुँच गए बट ये बंद रहता है क्योंकि रहता नहीं तो इसमें अभी साफ सफाई इतना हो नहीं रखा है बट आए हैं दुर्गा माँ से मिलने के लिए तो घर भी आ गए कि घर को भी रास्ता होने दिया। अच्छा जहाँ पे हमारी शादी हुई थी ये मंडप था और आज बस ऐसे ही ये लगा हुआ है बस छोटी की भी शादी यहीं होगी और ये अपने मंडप को निहारते हुए यही मेरा और ये हैं हमारे भगवान जी जो हम लोग इनको बोलते हैं। ये हैं हमारे मतलब पिंडा जी और ये हैं दाजा जी और मैं आपको दिखाती हूँ ये है हमारा पूजा रूम। इसमें हमारे कुल देवता रहते हैं बट इसके अंदर मैं ज़्यादा जाके वीडियो नहीं बना सकती हूँ बट बस ऐसे ही दिखा सकती हूँ। ये देखो दुर्गा मंदिर जहाँ से अभी हम लोग आए हैं ये है वो दुर्गा मंदिर और ये देखो ये है मेरा पूरा गाँव। यहाँ पे ना बहुत शांति सा रहता है बहुत मज़ा आता था बट क्या है ना कि अब टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पे रहने का। मतलब हर बार ऐसे में लगता है कि जा कर के एटलीस्ट 10 से 15 दिन तो वहाँ पे यहाँ पे आके बिताए ही। ये देखो हम लोग का ना यहाँ पे बचपन में क्या था ना हम लोग का यहाँ पे ये फ़ोटो का ये था कि बैकग्राउंड था हम लोग हर जितने सारे फ़ोटो क्लिक कराते थे ना तो हम लोग यहीं पे कराते थे। आज भी देखो वो प्रथा जारी है यहीं पे आकर के फ़ोटो क्लिक कराना है और ये देखो ऐसे ही हमेशा क्लिक कराते रहते। फील्ड है ये वो फील्ड है जहाँ पे ना हम लोग गेम खेलते थे मतलब कुछ कुछ लड़कियों वाली खेल खेलते थे। तब ना वो वाली घर नहीं था तब वो वाली घर था ही नहीं और तो बहुत बड़ा स्पेस था जब हम लोग खेलते थे बट अभी क्या है स्पेस थोड़ा छोटा हो गया और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मतलब बच्चे खेल सके। मन तो करता है कि बेबू यहाँ पे एटलीस्ट 10 से 15 दिन बिताए यहाँ पे खेले मस्ती करे क्योंकि यहाँ पे ना एक अलग ही माहौल है बच्चों के लिए अच्छा है कि मतलब वहाँ पे ये खेल सकते हैं। देखो हर
हर किसी को अपने घर से बहुत ही लगाव है। देखो जो भी आएगा तो मतलब छत पे आकर के चारों तरफ अपने गांव का नज़ारा देखना, उसके बाद पूरा एक एक घर एक एक रूम चेक करना। और ये देखो हमारे छत पर से ना दुर्गा मंदिर का नज़ारा पूरा दिखता है। जब हम लोग यहाँ पे रहते थे ना तो यहीं से खड़े होकर के यहाँ पे पूरा व्यू देखते थे। अभी तो एक दो पेड़ भी है वहाँ पे बीच में ना, सेंटर में एक स्टेज हुआ करता था, अभी भी है वो स्टेज। तो वहाँ पे ना डांस वगैरह का कुछ कुछ प्रोग्राम होता था, कुछ रामायण वगैरह कुछ होता था, तो हम लोग वहाँ पे यहाँ से बैठ कर के वहाँ पर का देखते थे। या फिर जो जो ईंटा रखा हुआ ना पूरा, वहाँ पे पूरा मैट लगा करके जितनी सारी लड़कियाँ थी ना मेरे ग्रुप की, सारे लोग वहाँ पे बैठ करके पूरा मतलब समझो कि आधी रात से ज़्यादा ही हम लोग वहाँ पे मतलब बैठ के पूरा डांस का देखते थे, इंजॉय करते थे। तो अच्छा था, उस टाइम का माहौल ही अलग था। अभी भी मन करता है कि काश वैसा टाइम मिले कि हम लोग यहाँ पे रहे। पूरा ये जो घर है ना, ये पूरे गढ़ पे बना है, मिट्टी का एक टीला था उसके ऊपर ये एटलीस्ट मतलब 10 से 20 घर है, बाकी सब वो नीचे एरिया दिख रहा है, और ये मिट्टी का एक गढ़ है उसके ऊपर हमारा घर बना हुआ है। वो सारा घर जो आपको दिख रहा है ना वो पूरा नीचे है। ये जो सेंटर में ये सामने वाली घर, ये टंकी वाली जो घर है, ये सब गढ़ पे है, बाकी जो घर है वो है वो सब नीचे है, मतलब घर के टीला पे नहीं है, सब इस पे ही है, मतलब सब नीचे है और ये गढ़ पे है। ये मम्मी भगवान की पूजा कर रही है, यहाँ पे बहुत बढ़नी है, मम्मी डर रही है। ये मीठा से लगा हुआ है ना, कार लग जाएगा, कार्ड लग जाएगा। फिर खाएं उसका एप्पल का टेस्ट आ गया। वो शॉप लगा रही है अपना। ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग खड़े होकर के ना मतलब यहाँ पे खड़े हो जाते थे और ऐसे यहाँ से ये व्यू देखते रहते थे, तो उठने में ही बहुत अच्छा लगता था। हम देख गाइस, तो अब हम लोग लौट रहे हैं वापस, तो ये लोग सारे बैठ गए हैं वापस के लिए। अब हम जा रहे हैं वापस, देखो पूजा करके खा पी के एकदम तन छो के। तुम्हारी मम्मी रहूंगी तो दोनों पूरा दूंगी ना। ओ, मेरी मम्मी पूरा मुझे दे देगी चॉकलेट में वो। नो 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 नो, डोंट हिट मी, डोंट हिट मी। मुझको सारा चॉकलेट खा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम बोलो क्यों वो मेरी मम्मी है। वो तुम्हारी मम्मी क्यों है? क्यों है बोलो, वो मेरी मम्मी है। टाइम बेबू का और छोटी मासी का फाइट चलते रहता है। और भी कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए? हाँ मैं सब दिलाऊंगी। ये तो गंदी मम्मा है, कोल्ड ड्रिंक मुझे, कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे हेल्दी फूड चाहिए। ओके मम्मा। ओके बेटा। मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फ्रूट्स चाहिए। मैं भी जूस ही चाहिए। मैं भी जूस ही दूंगी, ठीक है ना? तुम मुझे बनारस लेकर चलना, ठीक है? ओके ओके बेटा। आपको बनाना पसंद है ना? मैं दूंगी। और मुझे ट्रैम्पोलिन लेके चलना, ठीक है? लेके चलूंगी। चलाना? हाँ मैं ले चलूंगी। मुझे प्लेग्राउंड लेकर चलना। ओके ओके, मैं सब जगह ले जाऊंगी जहाँ बेबू बोलेगी। अब नहीं जाएगी बेबू बनारस।
जब छोटी मासी स्कूल जाएगी तो वहाँ पे छोड़ने जाऊंगी ना। हाँ, मैं छोड़ने जाऊंगी बेबू को, मैं छोड़ने भी जाऊंगी, लेने भी आऊंगी और के लिए डोनेट और बनाऊंगी, और आते हुए मुझे डोनेट्स दिलवाओगी, जूसी दिलवाओगी ना, मैं डोनेट्स बनाऊंगी। नहीं नहीं, डोला मासी तो झूठ बोल रही है। नहीं, मैं बना के खिलाऊंगी डोला मासी तो। अच्छा, डोनट्स बनाना आता है मासी? आता है मुझे। नहीं आता है। बहुत ईजी है। वो अगर चली गई डोला मासी के पास तो कुछ भी नहीं खा पाएगी, कुछ भी नहीं खा पाएगी। मैं तो बहुत कुछ खाऊंगी। छोटी मासी मम्मा के साथ रहेगी, स्कूल जाएगी, और मैं तो अपना टीवी भी देखूंगी। इनकी पसंद है ना बेबू? मुझे आता है बनाना। और वो सारे टॉयज जो बेबू का था अब तक, वो मेरा हो जाएगा। और वो ब्लॉक से भी मैं खेलूंगी, और अब मैं थोड़ी देर बीमार खाने वाली हूँ। गुस्सा बढ़ रहा है किसी का। मैं तुझे मासी को काट दूंगा। नहीं नहीं नहीं, गंदी बात नहीं बोलते। गंदी बात नहीं। आप छोटी मासी के पास रहोगी नहीं ना, आप तो मेरे साथ रहोगी। मैं आपकी मम्मा हूँ ना। नहीं, मैं आपकी मम्मा हूँ, आप मेरे साथ रहोगी। तुम मेरा बच्चा हो, मुझको सब कुछ दिलाओगी? हाँ हाँ, मैं दिलाऊंगा। तुमने हुआ बाबू बूम बूम पापा पापा सारा सारा टॉय सब कुछ आपका है। ओके, जानती है शॉर्ट फॉर्म, थोड़ा लंबा बात को शॉर्ट फॉर्म में पम 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 करके रख दे। हां, इसको जो बोलना होता है ना वो शॉर्ट में बोल देती है। शॉर्ट कर देता है पम पम पम। हां हां, सारा ब्लॉग्स भी आपका है। मैं नहीं डालू, गंदा है वो। क्या सूरज चलोगी? गणेश है बेबू। वापस तो गाइस, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।